चार चार कमरे ये देखो, मंदिर में फोटो खींचेगी ता खींचेगी। अरे दादी का मंदिर है। दादी मंदिर तो सीधा रे प्यार तो ये दादी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका म्यार चैनल मेरे उत्तराखंड में। मैं आपको दग रहे शिवांग नयाल, ये छी कन्नू रावत, ये छिन सृष्टि नयाल। तो आपक स्वागत है आज एक ब्लॉग में। तो क्या करने वाले छ हम? पानी भरने जा रहे हैं। हाँ, पानी भरने को जाना छो अभी। तब दिखौला आज का के हूँ। तो आज एक दिन की शुरुआत तो हो गए छे सुबह ही, पर हम नाश्ता वास्ता कर और अब हम जाना छो पानी भर। तो दिखाना छो आपके और देख ले आओ, ये हमारे घर छ और एक बटे पानी का रास्ता छे और सामने पहाड़ बड़ा सुंदर लग रहा छे। किटते किटते बिजाम ठंड लग रही रे कत घाम चटकी चर किटते ठंड लग रही। तो किटू कुछ गढ़वाली में बोलो, कुछ भी ये बोलो कि दोस्तों कैसे हो। हाँ तेज बोलो कनु, इधर देख के बोलो। तुम हम भी बढ़िया छो। और कनु जिन जो पहले आए हो लो ये वीडियो में वेते के करना लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सब्सक्राइब। कनु बोल के करना मैंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ कनु तो अपन पैथा रख दिखानी जब आगने तो दिखानी छे नीचे है कनु। अब हम जाने जा पानी में और देखा हमारा रोड, हमारी रोड बड़ी प्यारी लगनी है। बटे पानी में पहुंच गए हम और बैड़ा में बहुत कल से मतलब पहाड़ चल रहे बड़े खतरनाक। तो आपको ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी? नहीं हो रही। दगड़े हो आजकल तो मतलब ईदगाह पूजा होनी घर में कद का ही पूजा मतलब। और जैसे कि जिनके आपने मतलब पता चाहिए कि हमारे ये उत्तराखंड देवभूमि छ तो बस पूजा ही पूजी पूजा होनी छिन। और अभी बेतालक मतलब बेताल पूजन दू यख दूसरा गाँव छ और तब हमन वक भी जाने एक दिन। और मतलब बहुत मेला छिन ना पूजा छिन तब क्या बोला ना तब आजकल तो मतलब खूब रंगत आई गाँव में। आ तब जब पूजा वूजा ख़त्म हो जाला तब गाँव मतलब सुन पोड़ जाला सब। यो छ हमारा दूसर हौद मतलब ताल वालों को छन। और वेक पीछे देखा कंडली छे कंडली कद का बड़ी हुई और कंडली झपाक जेन जेन खाए वाले हुए थे याद आने वाली। तो देख लिया वा और बहुत प्यारो लग रहा हूँ गाँव ये टाइम में। और मतलब ढोलक का आवाज़ तो खूब आनी छे। तब अभी हम कद जाना था दादी घर, दादी घर ना ये तो ताव वालों का। और ये हमारा छन्नी गुठिया अरे मैंने बॉल दिखा चाहे मंगरू टावर घर अगर यूज समणी भी नौ चाचा और घर। और ये छह सुदर्शन चाचा और घर मतलब वो दादी छह जखम जो मतलब ख़त्म हो गया दादी तो ये अगर एन छह दादी। और सामने तो विनोद चाचा की मम्मी रहती है और आगे है और यक समणी च ये च मतलब क्या बोलता हूँ तो मकान टावर घर भी च और उनकार गुणपाल दादा और उनका भी घर है यहाँ पे। एक पपीता हो गई हूँ एक देखा भूला और ये हो घर दादी जी भीतर दादी नाती दगड़ बात करनी एक किट्टी करनु किस स्कूल का कैलेंडर दादी और कितनी बार मतलब उबर उबर। तो हम दादी के घर से आ गए छिपकली नहीं मेंढक है।
मेंढक ही तैरते हैं। दादी के घर बैठ के आ गए। नहीं करूँ ना, मत कर। करना कैसे लगे दादी के साथ बात करके? दादी छुई लगा रही थी ना, मतलब बुढ़े लोगों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है ना किट्टू? बहुत सारी बातें पता चलती है। अरे कटोरे कांडे, बहुत सारे कटोरे कांडे हो रखे हैं भाई। बैड़ा वाले ने तो हद कर दी भाई, कितनी पूजा हो रही हो। ढोली बज रहे हैं। ये सामने है बैड़ा गांव, और यहाँ मतलब दो तीन दिन से लगातार पुजाई चल रही है, सुबह शाम दिन। और जो सामने नदी दिख रही है वो है गंगा नदी, मतलब ब्याचट्टी वाली नदी आ रही है, मतलब ब्याचट्टी वाली नदी है वो। हाँ, और सामने गांव में देखो आग भी लग रही है। एक, दो, तीन, चलो ऊपर चलते हैं। धूप भी हो रही है, धूप तो बिजाम हो रही है। मतलब धूप है यहाँ पे, पर मतलब हवा है साथ में। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं विमला दादी के घर। कल हमें नहीं मिलते ना कन्नू, तो अब हम उनके घर जा रहे हैं। मम्मी बू और वहीं पे बैठे हुए। पानी के हाथ में हमारे दो घर हैं, और ये हमारा पुराना मतलब मंदिर वाला रास्ता है, यहाँ से भी जाते मंदिर। पानी के हाथ में दो घर हैं, ऊपर एक बोड़ी का घर है पर भाभी और का, नीचे दादी का घर से एंट्री है। जा रहे हम, बू और दादी बैठे हैं। दादी का भी आजकल काम चल रहा है, दादी के घर का पहुंच गए। तो दगड़े भी हो चुके दादी घर, और यह खून चु काम चलना चु दादी का, तब पूछला के काम कराने दादी। और यक बटे तो दादी बताइए, दादी क्या कराना है आप काम? चलो ये दादी का भी ये देखो, चार चार कमरे, ये देखो फोटो खींची। अरे दादी का मंदिर है, प्याज भी छे बिजाम। दादी देखो कत का बड़ी हवेली में रहने अकेला। अब मेरी दादी और ये दादी भी दू या छह महीना वाल छिन। काम करानी दादी यार, प्लास्टर पुलस्तर। हाँ अच्छा, ये हो दरार पड़े छिन। बाथरूम भी इधर अंदर। अरे फोटो है सारी बचपन की। दादी के पास टीवी भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है। सामान सारा है दादी के घर में। केक भुजी बनाई दादी ने, आलू आलू गुटका छुट्टी कढ़ाई में। अरे दादी का किचन है। सामान सब सोफा भी छिन, काम फैली हुई सब। हाँ अरे यख में खूब ठंडी हवा आनी, दंगड़ा डाल तली खुला भी तो घर ठंडी हवा आनी। दुए दादी दगड़े छिन,
दादी पहले दगड़े तो वो छ जैसी दादी जैसी दादी नीचे तवा इन्हें फोने जाना कौन यो चेगा हाँ बैठना कौन ना हाँ बाकी तो अपन कारों में खाना पे नौ सब कुछ आज एक बटे गांव भी देखना गांव भी देखना ना ससरिया गांव भाई जरूर गार भी मत्थी ये पूरी है तो दरिया पिठाई लगानी बुआ थे हाँ पहल बार आए अंक पिठाई लगा कोई बात नहीं था सगड़े दिन खाना का टाइम हो गए और यहाँ बने कुछ आलू थिचौनी घर रे आलू घर रे आलू थिचौनी और भात तो खाना बट रहा है हमारी फेवरेट है आलू की थिचौनी अब लगते हैं तो योच भात और साग खाओ एंजॉय करो हम तो करते हैं है ना करना हम एंजॉय करते हैं आप भी करो और जे गिच में पानी आनो तो आ जाओ घर है दादी जे गिच में पानी आनो आ जाओ और खाओ मजेदार चलो दोस्तों शाम का वक्त हो गया और अभी हम आ रखे पंचायत घर में अपने तो पंचायत घर भी दिखाते हैं आपको और यहाँ पे हम खेल रहे हैं बैडमिंटन तो चलिए दिखाते हैं आपको तो दगड़े हो यो चो पंचायत तो यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों दादी भी बैठी हुई है बगल में देख रही है सृष्टि भी है ये देखो क्या नहीं है ओ और दोस्तों हमने खेल लिया है बोर्डियाँ खेत पे लगी है उनको छोड़कर आ गए और सामने देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है वाओ वाओ कितना प्यारा है तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले ब्लॉग पर तब तक बाय 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 बाय